प्रत्येक वर्ष 8 मई को अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। संसदीय एक्ट के तहत भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी का गठन 1920 में हुआ था। विश्व में करीब 200 से अधिक देश रेड क्रॉस की विचारधारा से सहमत हैं। युद्ध, आपदा और महामारी के समय रेड क्रॉस के स्वयंसेवक लोगों की मदद करते हैं। इस संस्था का प्रमुख उद्देश्य रोगियों, घायलों और युद्धकालीन बंदियों की मदद करना है। जीन हेनरी ड्यूनेट इस संस्था के प्रवर्तक माने जाते हैं, लिहाजा उनके जन्म दिवस पर प्रत्येक 8 मई को यह दिवस मनाया जाता है। रेड क्रॉस सोसाइटी ने विश्व रेड क्रॉस दिवस के मौके पर CMO कार्यालय के प्रेरणा श्री सभागार में शुक्रवार को 13 कोरोना वॉरियर्स को अंगवस्त्र देकर सम्मानित किया गया। CMO डॉक्टर श्रीकांत तिवारी की अध्यक्षता में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए यह आयोजन हुआ। कार्यक्रम में स्वास्थ्य विभाग व NHM के अधिकारियों के साथ WHO सेंटर फॉर एडवोकेसी एंड रिसर्च CFAR GVK फाउंडेशन के प्रतिनिधि भी सम्मानित किए गए। आपको बता दें, सम्मानित होने वालों में CMO गोरखपुर के अलावा ACMO डॉक्टर IB विश्वकर्मा, डॉक्टर नीरज कुमार पांडे, DCMO डॉक्टर अनिल सिंह, DMO AK पांडे, DHIO KN ब्रनवाल, ARO KP शुक्ला, WHO के प्रतिनिधि डॉक्टर संदीप पाटिल, डॉक्टर सागर घोड़ेकर, NHM के अधिकारी सुरेश सिंह चौहान, एपिडेमियोलॉजिस्ट डॉक्टर SK द्विवेदी, CFAR प्रतिनिधि वेद प्रकाश पाठक, GVK फाउंडेशन के प्रोग्राम मैनेजर 102-108 एम्बुलेंस सेवा अजय उपाध्याय शामिल रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर श्रीकांत तिवारी ने कहा, सोसाइटी गोरखपुर ने एक निर्णय लिया कि जो कोविड जैसी महामारी में हमारे कोरोना वॉरियर्स और कोरोना फाइटर्स हैं, जो शुरुआती से ही अभी तक अपने समय को निकाल के इसमें लगे हुए हैं, तो उनको सम्मानित करने का एक निर्णय लिया। और इसपे रेड क्रॉस सोसाइटी के जो सचिव महोदय हैं, उनसे मैं निवेदन करूंगा श्री त्रिलोकीनाथ त्रिपाठी जी से कि कृपया इसके बारे में बताए सर कि श्रीमान, आज रेड क्रॉस दिवस है। रेड क्रॉस से संबंधित थोड़ा सा इतिहास का मैं बताऊंगा कि स्विट्जरलैंड निवासी ड्यूनेट इसके जन्मदाता रहे हैं और उन्होंने भी पीड़ा को लेकर के इस संस्था की स्थापना किया था। जब इटली और फ्रांस से भयानक युद्ध हुआ था, उस समय लगभग 40,000 सैनिक घायल हो चुके थे और उन घायलों की दवा उन्होंने उपचार लेके आम लोगों से मिल करके किया था। उनकी मन में पीड़ा उत्पन्न हुई और उन्हें 1863 में जेनेवा के कुछ दो संविधान लोगों को लेकर के इस संस्था का स्थापना किया और ये संस्था आगे पूरे विश्व में लगभग 700 देशों में काम कर रही है। उसी क्रम में भारतवर्ष की पार्लियामेंट ने भी 1920 में इसको अंगीकार किया कि हिंदुस्तान में भी इस सोसाइटी की स्थापना की जाए और इसके माध्यम से हम जन सेवा, मानव सेवा करेंगे। कोरोना फाइटर और कोरोना वॉरियर के लिए सर के नेतृत्व में हम लोग लगातार लगे हुए हैं। सर के ऊपर काफी बड़ी जिम्मेदारी है कोरोना जैसी महामारी को लेकर, तो ये गोरखपुर जिले के पिछले 3 महीने के सभी लोग पूरे दिन रात लगे हुए हैं। मैं निवेदन करूंगा पुणे CMO सर और नंद सर से आपका काम सर अभूतपूर्व है सर, और आपकी पूरी टीम के हर लोग को बुला के इस स्टेज पर और बड़े स्टेज पर सर सम्मानित करेंगे सर आपके द्वारा, तो बिल्कुल जो है हमारे और लोग मायूस ना हो। आप सर हम लोग के दिल में रहते हैं सब कोई और हर समय हम लोग आपके साथ हैं। थैंक यू सर। और यहाँ बैठे सभी कोरोना योद्धा, सच में मुझसे पूछा जाए तो एक अगर इसमें चुनना हो एक कोरोना योद्धा तो वो है डॉक्टर द्विवेदी।
जो जब करीब जाते हैं तो कोरोना थोड़ा पीछे भाग जाता है। उस जज्बे से ये काम कर रहे हैं और इनकी एक टीम भी उस जज्बे से काम कर रही है। इसलिए मेन हकदार हमारे वाले शॉल के सम्मान का आप हैं। परंतु बहुत बड़ा जिला है, बहुत बड़ी वैश्विक आपदा है, ग्लोबल इमरजेंसी, हेल्थ इमरजेंसी है। इसमें एक एक व्यक्ति का सहयोग, पर्टिकुलरली वो हेल्थ सेक्टर से जुड़ा हुआ व्यक्ति, बहुत बहुत आवश्यक है। और हम उन सब का सहयोग का की आकांक्षा रखते हैं, अपेक्षा रखते हैं और मिल रहा है, इसके लिए उन सबको बधाई देते हैं। जैसा कि आज विश्व रेड क्रॉस डे है, 1859 में इटली और फ्रांस में लड़ाई हुई थी, किसी महानुभाव को उन 50-60 मरते हुए लोगों को, तड़पते हुए लोगों को देखकर बड़ी दया आई थी। उन्होंने अपना जीन प्रकेन पैसे भी उनकी जो मदद की थी और उनको बचाया था, उसके बाद उनके मन में ये भाव आया कि क्यों ना ऐसी एक सोसाइटी डेवलप की जाए लाइक माइंडेड पीपल की, जो ऐसी आपदा पे, नेचुरल कलामिटीज में, वॉर्स में, ड्रॉट में, ग्लोबल इमरजेंसीज में कार्य करें। और उस एक व्यक्ति की सोच एक बहुत बड़ी, जैसा कि अभी त्रिपाठी सर बता रहे थे कि 170 देश, वो सोच बनते 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 170 देशों में रेड क्रॉस की संस्थाएं हैं। और यहाँ प्रोबेबली उत्तर प्रदेश के हर जिले में रेड क्रॉस सोसाइटी है, उसके मेंबर्स हैं। मैं 1990 में रेड क्रॉस का मेंबर बना था। आप में जो ना बने हो, हम रिक्वेस्ट करेंगे आज उनके जन्मदिन पे, उस महानुभाव के जन्मदिन पर जिसे रेड क्रॉस डे के रूप में जाना जाता है, कि आप सभी रेड क्रॉस सोसाइटी के मेंबर अवश्य बने। उसका एक फॉर्म आता है, अब फीस कुछ बढ़ गई होगी, 213 रुपए में बना था, अब शायद वो बढ़ गई होगी। एक वन टाइम फी है, आपको एक सर्टिफिकेट भी प्रिंट होके आता है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि प्लस का जो रेड निशान आप लगाते हैं, वो कोई डॉक्टर का निशान नहीं, उसको वो सारे व्यक्ति लगा सकते हैं जो रेड क्रॉस के मेंबर। डॉक्टर के निशान के लिए बाकायदे शासन आदेश है, एक वो दो ट्वीक होती है बाली की, और आईएमए का जो आपने सिंबल देखा होगा वो लगाने की है, कि वो हम लगाएं तो हम डॉक्टर खाली लगा सकते हैं और लोग नहीं लगा सकते। लेकिन ये प्लस का निशान लगाने के लिए वो व्यक्ति रेड क्रॉस का मेंबर होना चाहिए, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो फार्मासिस्ट हो, चाहे वो पत्रकार बंधु हो, चाहे वो कोई भी हो, अगर वो मेंबर है तो वो अपने उस पर लगा सकते हैं, कोई मनाही नहीं। अदरवाइज नहीं लगा सकता कोई, डॉक्टर भी नहीं लगा सकता कायदे से, पर प्रैक्टिकली ये देखा जाता प्लस लगाए तो हर कोई छोड़ देता कि ये किसी हेल्थ डिपार्टमेंट से संबंधित व्यक्ति है। तो उस महान आत्मा को मैं आज श्रद्धांजलि भी दूंगा, क्योंकि उनकी बहुत अच्छी सोच थी ये, और उन्होंने एक संस्था खड़ी करी, बाद में उसका रिकॉग्निशन हुआ जिनेवा में, उसके बाद बहुत सारी उसकी ब्रांचेस देशों में बनी और आज वो चल रही है। रेड क्रॉस सोसाइटी हमारे गोरखपुर में, मैं 2 वर्षों से हूँ, थोड़ा सा हम लोगों की बैठकें नहीं हो पा रही। रेगुलर जिलाधिकारी इसके प्रेसिडेंट होते हैं, उनकी अध्यक्षता में बैठक नहीं हो पा रही है, अन्यथा हमें और अच्छे अच्छे काम मन में हैं। और हमारी त्रिपाठी जी से बात भी हो रही थी कि अब थोड़ा सा इस कोरोना से निपटने के बाद हम लोग एक बैठक कराएंगे, बृहद बैठक कराएंगे, हमारा उसमें एजेंडा लंबा चौड़ा होगा, उसको डिस्कस करके बैठक से पास करा के हम लोग वो भी करेंगे जो जनहित में होगा। ऐसी बहुत सारी चीज़ें करने की प्लानिंग है। मैं रेड क्रॉस सोसाइटी के ऑनरेडी सेक्रेटरी और पदेन सेक्रेटरी दोनों का धन्यवाद करूँगा
कि आज इन्होंने हमारे कोरोना योद्धाओं को सम्मानित करने का इस अवसर पर जो रेड क्रॉस डे है, वर्ल्ड रेड क्रॉस डे है, इस अवसर पर सोचा, इसके लिए आप सबका बहुत धन्यवाद। और हम अपने उन योद्धाओं का बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे कि वो इस सम्मान के लिए नहीं काम कर रहे, वो काम कर रहे हैं, सम्मान उन्हें मिल रहा है, ये बहुत ही अच्छी बात है। लोग सम्मान देने की सोच रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। आज विश्व रेड क्रॉस डे है, प्रत्येक वर्ष 8 मई को इसे विश्व रेड क्रॉस डे के रूप में मनाया जाता है, जो इसके संस्थापक हेनरी डुनॉट के जन्मदिन का द्योतक है। इस दिन वो जन्म लिए थे और जब उनसे पूछा गया था तो उन्होंने ये कहा था कि मेरे जन्मदिन को रेड क्रॉस डे के रूप में मनाया जाए। रेड क्रॉस एक ऐसी इंटरनेशनल संस्था है जो दुनिया के 170 देशों में है और इसकी ब्रांचेस हर देश के बहुत सारे स्टेट्स में भी हैं। भारतवर्ष में भी इसकी बहुत सारी ब्रांचेज हैं, उत्तर प्रदेश में भी इसकी हर ज़िले में करीब करीब ब्रांचेज हैं। आज हमारी लोकल ब्रांच गोरखपुर की ब्रांच ने ये तय किया कि कोरोना से हमारे जो भी स्वास्थ्यकर्मी, चिकित्सक, पैरामेडिकल स्टाफ, एम्बुलेंस के हमारे चालक बंधु, ये सब जो काम कर रहे हैं, इनको हम सम्मानित करें, क्योंकि ये कठिन परिस्थिति है, एक वैश्विक महामारी है और इस बीच में ये अपने जान की बाजी लगाकर बिना इस भय के कि हमें भी पकड़ लेगा कोरोना, जो कि एक बड़ी खतरनाक बीमारी है, ये काम कर रहे हैं। उसमें से कुछ लोगों को सम्मानित किया गया है। ये सम्मान जिन लोगों को मिला है, ये पूरी हमारी फैमिली को मिला है, पूरी हमारी स्वास्थ्य विभाग को मिला है, क्योंकि इस समय कोई बड़े फंक्शंस नहीं किए जा सकते, कोई आयोजन बड़ा नहीं किया जा सकता, इसलिए एक छोटे रूप में हमारे कर्मचारियों का, हम लोगों का हौसला अफजाई के लिए रेड क्रॉस ने सोचा और उसी का ये फंक्शन है। आज विश्व रेड क्रॉस दिवस के अवसर पर ऐसा किया गया है।